ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांत्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा बंतु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि मेष राशि वालों के लिए जो परिवर्तन का योग बन रहा है, शुक्र और बुध दोनों एक ही दिन परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है ये। देख लीजिएगा परिवर्तन का प्रभाव क्या रहेगा। है तो परिवर्तन थोड़े दिन के लिए, 7 मार्च के दिन दो दो ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध जाएंगे मीन राशि पर सुबह 9:35 पर और शुक्र जाएंगे परिवर्तन में कुंभ राशि पर, जो 10वें भाव से निकलकर 11वें भाव में जाएंगे। बुध महाराज 11वें भाव से निकल के 12वें भाव में जाएंगे। शुक्र का परिवर्तन करीब करीब 11:45 के आसपास होगा सुबह, और ये परिवर्तन जो रहेगा 31 मार्च तक रहेगा शुक्र का परिवर्तन। उसके बाद शुक्र आगे चले जाएंगे और उसके बाद 26 मार्च को उससे पहले बुध भी बदल जाएंगे। तो ये 20 दिन के जो दिन हैं इसमें क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेंगे, इस बात ग्रहों का प्रभाव समझ लीजिए। देखिए बुध इस वक्त अस्त अवस्था में है और बुध का जो अस्त अवस्था में परिवर्तन ग्रहों का योगायोग है, एक तरह से देखा जाए तो ये खासतौर पर थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि अनप्रेडिक्टेबल दिन रहेंगे। दो दिन अच्छे फिर एक दिन खराब, दो दिन अच्छे फिर एक दिन खराब, ऐसा कुछ ग्रहों का योगायोग बन सकता है। तो यानी आपको अपने आप को ठीक करने के लिए काफ़ी कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करना पड़ सकता है, क्योंकि बुध आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें मेष राशि वालों के लिए, जो बुध हैं वो विशेष तौर पर तृतीय भाव के स्वामी हैं, पराक्रम भाव के स्वामी हैं और साथ साथ शत्रु भाव के भी स्वामी हैं। तो यानी एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपके शत्रु पक्ष को हावी करने का प्रयास कर सकते हैं। इस समय में हर दूसरे तीसरे दिन जितना आप दबाने का प्रयास करोगे, यानी हम जो बात कर रहे हैं आपके लिए 7 मार्च से लेकर जो बात कर रहे हैं हम विशेष तौर पर 26 मार्च तक के लिए, बुध का परिवर्तन 12वें भाव में आपके लिए हो रहा है। हर दूसरे दिन कोई नया उपद्रव फुटफुटाने के योग बना सकता है। विशेष तौर पर 13 मार्च को यदि हम बात करें तो बुध उदय भी हो जाएंगे। 13 मार्च तक बुध अस्त रहेंगे, 13 मार्च को बुध उदय भी हो जाएंगे दोपहर में मध्यान्ह में करीब करीब 2:30 बजे के आसपास। तो ऐसे में बड़े ध्यान पूर्वक कार्य करने की ज़रूरत है, और नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ नए परिवर्तन का समय है। ऐसे में शनि महाराज भी उदय हो जाएंगे, बुध का भी उदय होने का योग बन रहा है, सूर्य परिवर्तन के योग बनेंगे, तो बड़ी सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो आप यदि कुछ उपाय के तौर पर इन ग्रहों की अवस्था को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे में शुक्र का परिवर्तन भी आपकी राशि के अनुसार से जो आगे बढ़ने का हो रहा है, 11वें भाव में जाकर शुक्र आपकी राशि में शनि की राशि में ही जाकर स्थित हो जाएंगे, तो वो भी कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के योग बनाएंगे। देखिए बहुत ज़्यादा सीधी सीधी चाल चलने से कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो ये समझ लें, धन इस संसार में बिल्कुल आवश्यकता है, धन कमाने की ज़रूरत है, लेकिन सच्चाई के साथ पूरी तरह सज्जनता का पालन नियम पालन करते हुए यदि कार्य होगा तो कुछ नहीं होगा। षठे षाठ्यम समाचरेत, इस बात को समझ दीजिए, षठ को जो है बदमाश जो है वो उनको युक्ति युक्त तरीके से ही आपको समाप्त करने का योग बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो आपके लिए इन दिनों में खास तौर पर कुछ ना कुछ परेशान करने की, जो आप चाल चलेंगे उसके विपरीत वो चाल चलने के योग बना सकते हैं। धन कमाने के लिए कुछ विभिन्न प्रकार के रास्ते जिसको कहा जाता है ये इनके इन प्रकार कैसे भी गलत रास्ते से बच न, तो हम कहेंगे वो गलत रास्ते से आया हुआ धन तो गलत ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चाणक्य नीति का इस्तेमाल लाभ के लिए आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, नहीं तो सीधे सीधे चलकर काम नहीं होने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। हो सके तो आप विशेष तौर पर अपने घर में वरुण देवता की स्थापना करें। इन दिनों में ये उपाय हम आपको बता रहे हैं, दिव्य उपाय नोट कर लीजिए। वरुण देवता की विशेष तौर पर आराधना करने से, वरुण देवता के निमित्त नित्यपति वरुण देवता का एक कच्चे घड़े में, यानी एक मटका ले लीजिए मिट्टी का और उस पर वरुण देवता की स्थापना करें। आम के पत्ते इत्यादि जैसे नवरात्रों में लगा रखते हैं उनका नित्यपति ओम वरुणाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, भगवान का स्तवन करते हुए ये जरा उपाय अवश्य करने का प्रयास करें नित्यपति। इससे ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बनेगा और साथ साथ आपके लिए कुछ ना कुछ परिवर्तन का। एक पीले रंग का धागा इन 20-25 दिनों के लिए गले में धारण कर लिया करें, और हर दूसरे तीसरे दिन जैसे जनेऊ धारण करते हैं पीले रंग का, तो जनेऊ यदि ये पीले रंग का धारण कर ले या पीले रंग का कोई सूती रेशमी या सूती का जो धागा हो उसको गले में धारण करने का प्रयास करें। सोने की चेन गले में धारण करने का प्रयास कर सकते हैं। इन दिनों ये ग्रह का परिवर्तन आपके लिए नहीं तो कुछ ना कुछ नुकसान देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र भी आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो विशेष तौर पर बड़े इंपॉर्टेंट भावों के मालिक हैं। द्वितीय भाव धन के मालिक हैं और साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से वो सप्तम भाव के भी मालिक हैं,
और सीधी तरीके से आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि सीधी तरह से सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है। इन दिनों आपको थोड़ी सी उंगली टेढ़ी कर कार्य करने की ज़रूरत है। यदि इस तरह से कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। एक बात का और ध्यान रखें, गलत रास्तों पर मत जाइएगा, अय्याशी की तरफ और मदिरापान की तरफ या कुछ भी शराबी कबाबी स्थितियों में जाने से आपके लिए नुकसान की स्थिति बन सकती है। तो इस बात को विशेष तौर पर मेष राशि वालों को ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। हम पुनः आपको समझा देते हैं कि 7 मार्च को ये परिवर्तन होने जा रहा है बुध का और शुक्र का सुबह सुबह के वेला में, और करीब करीब 26 मार्च तक बुध इस राशि के अंदर रहेंगे, आपके लिए भविष्य बता रहे हैं, और करीब करीब 31 मार्च तक शुक्र के योग बनाएंगे। लेकिन एक बात अच्छी बात ये बता दें कि निष्कर्ष आपके हाथ में बहुत कुछ आ सकता है। बुध आपके हाथ से बहुत कुछ निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन शुक्र लगातार आपकी सपोर्ट करने को तैयार बैठे हैं। यदि आप बुद्धि के द्वारा कार्य करेंगे, गलत तरफ नहीं जाएंगे और युक्ति शुक्र की चाणक्य नीति से इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी युक्ति लगाकर कार्य करेंगे तो धन लाभ की स्थिति अवश्य ये ग्रह बनाने के योग बनाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए, ये तो गोचर का प्रभाव बताया हमने आपको। जन्मपत्री में क्या भाव चल रहा है, आमतौर पर जन्मपत्री की प्रिडिक्शन यूट्यूब के माध्यम से नहीं की जा सकती, क्योंकि हमें पता नहीं है आपकी जन्मपत्री, हजारों लोग, करोड़ों लोग, अरबों लोग, हर एक जन्मपत्री में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से 12 राशियों के हिसाब से जब भावों को समझकर बताया जाता है तो वो जनरल इफेक्ट करता है। मूल डिपेंड करता है कि आपकी जन्मपत्री किस लेवल पर है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म पर जो कोई व्यक्ति है वो एक रिक्शा वाला है तो उसके लिए उस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा गोचर का प्रभाव। एक व्यक्ति बहुत अच्छे मंत्री लेवल पर बैठा है तो उसके लिए परिवर्तन की स्थिति लाएगा। तो ये सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता होती है। लेकिन गोचर का प्रभाव क्या है आपकी राशि के अनुसार से वो आपने समझा, लेकिन पूरा वृहद जानने के लिए जन्मपत्री को विशेष तौर पर दशा, महादशा, षडवर्ग, षडबल इत्यादि इन सब चीज़ों को समझते हुए यदि जन्मपत्री को देखा जाए तो बहुत कुछ जानने को मिल सकता है और बहुत कुछ हम भविष्य को समझते हुए परिवर्तन की तरफ जीवन को आगे ले जा सकते हैं। नहीं तो फिर जैसा तो चल रहा है वैसा चलता ही रहेगा। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि जन्मपत्री से देखने से क्या फ़ायदा, बिल्कुल गूगल को देखने से भी क्या फ़ायदा है। रास्ते में जा रहे हो, ट्रैफिक में कभी फंस जाओगे, कभी निकल जाओगे। तो इस प्रकार से जो शास्त्र में, जो रिसर्च के द्वारा चीज़ें निकल कर आई हैं, देशकाल परिस्थिति को समझते हुए लोगों ने उसका लाभ लिया है। तो ज्योतिष विज्ञान बड़ा चमत्कारिक विज्ञान है और ये कोई जादू नहीं है, ये गणनाएँ हैं, और गणनाओं को समझकर बुद्धियुक्त तरीके से कार्य कर आप अपनी स्थिति को परिवर्तन कर सकते हैं, ये हमने स्वयं देखा है। तो आशा करते हैं आप इन सब चीज़ों को समझेंगे और मेष राशि वालों के लिए कहाँ कहाँ क्या बताया हमने उसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास करेंगे। ये तो हमने गोचर का प्रभाव बताया आपकी राशि के अनुसार से। गोचर का प्रभाव तो राशि के हिसाब से समझ में आता है, लेकिन हर व्यक्ति की जन्मपत्री तो अलग है, उसमें महादशाएँ, दशाएँ, ग्रहों की अवस्थाएँ, वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं और उनके अनुसार से परिवर्तन का योग क्या कुछ आपके लिए करेगा। अब ये कई लोग मिसकंसेप्शन कर लेते हैं कि संसार में क्या सबके लिए सेम प्रभाव होगा। नहीं, ये तो कहना बिल्कुल कहीं भी कि सब समस्त मेष राशि वालों के लिए, समस्त वृषभ राशि वालों के लिए एक ही प्रकार का प्रभाव होगा, जो हम मकर राशि का इस वक्त बात कर रहे हैं हर मकर राशि वालों के लिए। हाँ, हवाएं तो उस तरफ चलेंगी। अब आपकी दशा, महादशा क्या है, क्या नहीं है, लग्न क्या है, उन सबके ऊपर भी निर्भर बहुत कुछ करता है। तो आप कैसी अवस्था में उस समय में लाभ कितना ले पाएंगे। जैसे सूर्य तो नित्य प्रति निकलता है, हर व्यक्ति के लिए निकलता है, हर व्यक्ति के लिए निकलता है ना, लेकिन किसी को वह सूर्य सुहाता है और किसी को वह सूर्य कष्ट भी दे सकता है। कोई बीमार व्यक्ति है, कमज़ोर है, उसके लिए सूर्य में जाकर थोड़ी देर बैठेगा तो एनर्जी का योग बन जाएगा, लेकिन किसी को स्किन एलर्जी है और वो सन से एलर्जी है और वो चला जाएगा, तो उसके लिए वो डिपेंड करता है कि आपके अपने पैरामीटर्स क्या है, आप किस समय में जन्म लिए, आपकी जन्मपत्री कहाँ किस प्रकार का इशारा कर रही है। तो ये सब चीज़ें वृहद वर्णन की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। गोचर के और गोचर के प्रभाव से ही हमने आपके समक्ष ये सारी बातें रखी हैं। इसके अलावा यदि कोई बहुत विषय, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय हो तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में ये लगातार बहुत सारे शोध कार्य ज्योतिष के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, भारतीय संस्कृति के संबंध में हम लगातार करते रहते हैं। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पूरा प्राकृतिक चिकित्सा का संस्थान है, जो आयुष का हॉस्पिटल है। इसके अलावा विशेष तौर से पराविद्याओं पर शोध कार्य, यज्ञ इत्यादि पर बहुत सारे शोध कार्य, पूजा पे, मंत्रों पर, शब्द विज्ञान पर, विभिन्न प्रकार के शोध कार्य हमने समय समय पर करते रहे हैं। करीब करीब 50 से ऊपर तो ग्रंथों की रचना बहुत प्रकार से हमारे पिछले इस आश्रम की तरफ से की गई है, बहुत सारे शोध कार्य किए गए हैं। यज्ञ विज्ञान पर तो इतना बढ़िया कार्य है कि नित्यपति आश्रम पर 8 घंटे यज्ञ आज भी होता है। आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के माध्यम से इनके सानिध्य में यह आश्रम स्थापित हुआ और आज भी उन्हीं की दी हुई शिक्षाओं के अनुसार से उन्हीं के दिव्य कार्यों को हम लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो मंत्र विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो भारतीय पराविद्याओं के संबंध में हो, ज्योतिष की विद्याओं के संबंध में हो, ये सब चीज़ें भारतीय हर चीज़ तरह से
कैसे हमारे जीवन के लिए उपयोगी बन सकती हैं, इस सब संबंध में हम कार्य कर ही रहे हैं। आप हमारे इस आश्रम से जुड़ सकते हैं। रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है, सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक नित्य प्रति जो 8 घंटे यज्ञ होता है उसी का एक भाग रविवार को सब लोगों के लिए सामूहिक तौर पर खोल दिया गया है। आप उसी कार्यक्रम में रविवार को कोई भी आ सकता है, कोई फीस नहीं दी जाती आश्रम की तरफ से। आप उन सब गतिविधियों से जुड़ें, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं और उनसे जुड़कर आश्रम का सबसे संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में हम बहुत एक भगवती की दिव्य शिव विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से आई, 500 साल पुराना शिव विग्रह भगवती का, चमत्कारी शिव विग्रह है। जो चाहते हैं ना चमत्कार देखना तो उनके सानिध्य में आइए माँ भगवती दुर्गा के लिए। और वो भगवती का शिव विग्रह हमारे आश्रम में प्रतिष्ठित है, उन्हीं के सानिध्य में बहुत सारे उत्सव कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं। साल में कम से कम, महीने में कहें कम से कम तो 10-15 तो बड़े कार्यक्रम होते ही हैं, समय समय पर उसको हम अवगत आपको कराने का प्रयास करते हैं। तो आप जुड़िए विवेकानंद योग आश्रम से, आपको लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।